बिहार की राजनीति में किसी के बयान से कब सियासी तूफान आ जाए नहीं कहा जा सकता। आप देख लीजिए, रविवार को मांझी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दलित सीएम की बात क्या की, महागठबंधन के अंदर सियासी बयानों के तीर चलने लगे हैं और इसका मजा एनडीए उठा रहा है। शेड्यूल कास्ट या लाइक माइंडेड 70-80 विधायक हो जाते हैं तो निश्चित है उस विधायक ग्रुप के ही लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। दलित सीएम को लेकर मांझी ने बयान क्या दिया, सियासी बवंडर खड़ा हो गया, एक नई मुसीबत महागठबंधन के सामने आ गई। सीएम को लेकर मांझी के बयान से आरजेडी नेता उखड़ गए। पहले मांझी को नसीहत दी और साफ कर दिया कि गठबंधन के नेता तेजस्वी हैं और सीएम के दावेदार भी। इन सब बयानों से परहेज करना चाहिए, कोई इन सब बयानों की जरूरत नहीं है। मांझी जी हम लोगों के सम्मानित नेता हैं और विपक्ष के बहुत ही मजबूत साथी रीढ़ हैं हम लोगों के महागठबंधन के। उन्होंने जो भी बात सामाजिक तौर पर जो कहने का काम करते हैं, हक और अधिकार हकूक की लड़ाई शुरू से लड़ते रहे हैं और आज भी वो लड़ रहे हैं, इसीलिए एससी एसटी के बारे में हमेशा प्रोत्साहित करते रहते। दरअसल मांझी के इस बयान को कई मायनों में देखा जा रहा है। मतलब ये कि क्या मांझी ऐसा बयान देकर लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों को लेकर महागठबंधन के अंदर दबाव बना रहे हैं। विरोधियों को तो ऐसा ही लग रहा है, हालांकि जेडीयू ने मांझी के दलित प्रेम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ज्यादा लोग हैं और सीटों की संख्या कम है, उनको सीट मिलनी है नहीं, तो ये बिल्कुल ये स्थिति ज्यादा जोगी मठ उजाड़ की हो गई है। अगर माननीय जीतन राम मांझी जी ने उठाया है तो वह उस समाज की भावना का प्रकटीकरण है और हम उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव जी ट्विटर बबुआ जरूर हैं, लेकिन इस सवाल पर अपना जुबान खोलें कि क्या दलितों को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मानने की स्वीकार्यता है अथवा उनकी हिस्सेदारी कहां और किस रूप में मिलेगी। मांझी के बयान से सबसे ज्यादा परेशानी आरजेडी को है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से सीएम के दावेदार तेजस्वी हैं और आरजेडी कभी नहीं चाहेगा कि तेजस्वी के मुकाबले महागठबंधन से कोई और दावेदार उभरे, और यही वजह है कि आरजेडी ने मांझी को संभल कर बयान देने की नसीहत दी है। प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना।